हेलो फ्रेंड्स, जय भारत। सीवर लाइन का आउटलेट कैसे कनेक्ट किया जाता है आज हम बताएंगे। चलो देखते हैं। वहाँ से ऊपर से देखो, एक डोर टी लगा कर जो कि कमर का लाइन आया है, कनेक्ट हुआ है और ऊपर से एयर पाइप छोड़ दिया है और नीचे तक आया है। और छत थोड़ा सा बाहर निकला था, इसलिए दो एल्बो लगाना सही नहीं था, तो 2 45 लगा कर नीचे तक ले आया है। यहाँ से एल्बो लगाना सही नहीं था क्योंकि एल्बो से रुकावट आता है, इसलिए हमने 2 45 लगा कर एल्बो कर दिया है और वहाँ से पाइप जा रहा है आगे तक। जो आगे से ये वॉल का कॉर्नर है, इसलिए ये डोर बैंड लगा कर आगे से लिया है। डोर बैंड से हमने ये पाइप को साफ कर सकते हैं, इसलिए डोर बैंड लगा है। और यहाँ से फिर 2 45 लगा कर फिर ये नीचे तक जा रहा है। और नीचे से छत उसी प्रकार से थोड़ा सा आगे निकला था, इसलिए ये ऊपर से 2 45 और नीचे से 2 45 देकर ये पाइप नीचे तक जा रहा है। नीचे ये पाइप जो हमारा टैंक है, टैंक से कनेक्ट होगा। देखो, बाथरूम का लाइन भी उसी प्रकार से आ रहा है, एक डोर टी और 2 45। यहाँ से ऊपर तक एक एयर पाइप और ये नीचे तक आ रहा है, वहाँ से भी 2 45। फिर वहाँ से ये यहाँ से डोर बैंड देखो, स्टेबलर जो 110 mm का, उसी प्रकार से ये भी 75 mm का है। यहाँ से 2 45 देकर उसी प्रकार से ये जा रहा है नीचे तक। 4 45 लगकर ये नीचे तक जा रहा है। छत का वेस्ट पाइप के लिए वहाँ से 3 आउटलेट निकला है जो कि डोर बैंड लगा के साफ़ करने के लिए, और 3 पाइप को एक साथ एक पाइप से कनेक्ट करके ये वहाँ से डायरेक्ट छोड़ दिया है जो कि पानी बारिश के टाइम से बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से आप स्टेबलर पाइपलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक शेयर, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जय भारत।